हमसे किसी ने पूछा नहीं तो कैसे बताते मैडम? और मैडम हमें तो पता ही नहीं कि वो यहाँ है भी कि नहीं। चार दिन से पूछताछ चल रही है और आप लोग मकान मालिक होकर नहीं बता रहे, और ना ही दिनेश बता रहे कि उसके और राकेश के अलावा उनका कोई तीसरा रूममेट था सागर राय। आप लोग क्या किसी स्पेशल नौते का इंतजार कर रहे थे ये बताने के लिए? तो क्या मैडम राकेश को सागर ने मरवाया? किसने मरवाया, क्यों मरवाया, ये तो हम पता लगा कर रहेंगे। चार लोग ही थे या ज्यादा थे? कौन थे वो लोग? छुपाना मत, अब तेरी पोल खुल चुकी। प्लीज ऐसा मत बोलिए सर, मुझे सच में सर्दी थी और वो दवाई बहुत ही स्ट्रांग है सर। इतनी स्ट्रांग थी कि तेरी याददाश्त कमजोर हो गई, तो ये भी भूल गया कि तेरा की तीसरा रूममेट भी है सागर राय, जिसका जिक्र तक तुमने नहीं किया। मुझे लगा आप लोग को मालूम होगा सर, पुलिस वालों को तो सब मालूम होता है ना सर। हमें मालूम होता नहीं है, हम मालूम करते हैं। तुम तीनों रूममेट थे, राकेश शर्मा, सागर राय और तुम। राकेश शर्मा और सागर राय, इन दोनों के बीच में क्या हुआ था? सर सागर तो एक दिन पहले ही घर निकल गया था, उसके पापा का फोन आया था, इमरजेंसी थी घर में। क्या भाई सब ठीक है? नहीं यार, मेरी दादी सीरियस है। कहाँ है? आईसीयू में, नर्सिंगपुर में। यार लेकिन तू अभी जाएगा कैसे? दौड़ के जाऊंगा, चलोगे मेरे साथ? जैसी बात कर रहे हो ट्रेन से जाऊंगा और कैसे जाऊंगा। चल बाय। जाना। हाँ बाय। झगड़ा जैसा तो कुछ नहीं हुआ था हम दोनों के बीच। 5 जुलाई को ना सही, उससे पहले हुआ होगा। कहने को सुलह हुई होगी लेकिन सागर सुलगता रहा होगा। तुमने उसका साथ दिया होगा और सोने की एक्टिंग की होगी। सर डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन है मेरे पास, अगर आप बोलेंगे तो मैं आपको दिखा दूंगा सर। मुझे मालूम है कि तू कुछ छुपा रहा, और जब मुझे पता चलेगा तो तेरा वो हशर करूंगा कि तू उस दवा की पूरी बोतल भी गटक लेगा ना, तब भी तुझे नींद नहीं आएगी। अच्छा सर, सागर के जाने के बाद मैं उसके बेड पे सोता था। मतलब? सर यही छुपा रहा था सर। सर प्लीज सर सागर को मत बताना सर, सर उसे पता चलेगा तो वो बहुत गुस्सा करेगा सर। क्यों? क्योंकि सर कोई भी उसका सामान छुए उसे पसंद नहीं है। इतना डरते हो तुम उससे, इतना गुस्से वाला? सर प्लीज उसे मत बताना सर, प्लीज। जा। जी ये बात 16 आने सच है। मेरी माँ वसंता राय यानी सागर की दादी माँ 5 जुलाई की रात को चल बसी। सागर तकरीबन रात के 11 बजे यहाँ पहुँच गया, और फिर करीब 12 के आसपास माँ चल बसी। फिर अगले दिन सुबह क्रियाक्रम हुआ। 13वीं अभी अगले हफ्ते है। सागर कुछ दिन यहाँ रुक गया था, दादी माँ का लाडला जो था। मोहन जी क्या सागर जबलपुर के लिए निकल चुका है? जी वो पहुँचता ही होगा। देखिए आप फिक्र न करें, वो कहीं भागेगा नहीं, मैंने उसे सख्ती से समझा दिया है। बेटा ये सब क्या हो रहा है? तुम्हारे रूममेट राकेश शर्मा को किसने मार डाला? मुझे नहीं पता पापा, मुझे तो खुद आपके मुंह से मालूम पड़ रहा है कि उसका मर्डर हो गया। देखो बेटा मैं एक पुलिस वाला हूं, पर इस वक्त एक बाप की हैसियत से पूछ रहा हूं, असली माजरा क्या है? कहीं तुम दादी माँ की आड़ में यहां पर आ गए और तुम्हारे पीछे वहां? चखाक बाप की हैसियत से पूछ रहे हो आप? किसी क्रिमिनल की तरह शक कर रहे हो मुझे? यहाँ पे मैं खुद हिला हुआ हूँ कि मेरे दोस्त मेरे रूममेट का मर्डर हो गया है। पापा मुझे कुछ नहीं पता। तो तुम अभी के अभी जबलपुर निकल जाओ, और पहुंचते ही बरोलिया नगर थाने रिपोर्ट करो। जी पापा। और हाँ बेटा, किसी महापुरुष ने कहा है, सच बोलोगे तो कुछ याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सागर राय चलो। सर बैग रख के मैं आपके ही पास आ रहा था। कोई बात नहीं, हमने सोचा तुझे ऑप्शन ही नहीं देते। नहीं इंस्पेक्टर, सागर राय का नाम जानबूझकर मेंशन नहीं करने का कोई खास कारण नहीं था, और इसका भी एक कारण है। जो स्टूडेंट्स कैंपस के बाहर रेंटेड घरों में रहते हैं उनके डिटेल्स हमारे पास अपडेटेड नहीं होते। स्टूडेंट्स हर 3 महीने में 6 महीने में घर बदल देते हैं। मुझे अभी भी पता चला कि ये राकेश शर्मा भी कुछ 1 साल पहले ही शिफ्ट हुआ था सागर के साथ। सागर उस मकान में 2 साल से रह रहा है, और ये दिनेश 8 महीने पहले शिफ्ट हुए, पर ये सागर का नाम सुनकर ही थर थर कांपता। क्या राकेश शर्मा और सागर राय इन दोनों के बीच में कॉलेज में कभी भी किसी बात को लेकर कोई झगड़ा हुआ था? नहीं सर,
बट चूंकि अब सागर राय की बात निकली है तो मैं एक बात जरूर मेंशन करना चाहूंगा। पर्सनली मत लीजिएगा, लेकिन चूंकि वो एक पुलिस वाले का लड़का है, हमेशा से अपनी धौंस जमाता रहता है। इतने रफ, इतने हिंसक, इतने गुस्से वाले लड़के के साथ राकेश शर्मा पिछले एक साल से रह रहा था, और राकेश के रहस्यमय मर्डर के बाद ना आपको, ना किसी स्टूडेंट को, और ना ही उसके रूममेट दिनेश को, और ना ही मकान मालिक को, किसी को भी जरूरी नहीं लगा कि कम से कम एक बार सागर राय का जिक्र हमारे सामने किया जाए। दरअसल सागर राय कोई गुंडे टाइप का लड़का नहीं है सर, बस एक ही बार एक स्टूडेंट के साथ में उसकी सीरियस हाथापाई हुई थी, और उसका नाम पहली बार मेरे कानों पर पड़ा था जब उस पिटे हुए लड़के के पिता ने उसके खिलाफ कंप्लेंट की थी। और यह पिटा हुआ लड़का राकेश शर्मा था? जी नहीं, राकेश सेकेंड ईयर का स्टूडेंट था और सागर फाइनल ईयर में पढ़ता है, और जिस लड़के के साथ में उसकी हाथापाई हुई थी वो उसी की क्लास में पढ़ता है, विकास, विकास गौर नाम है उसका। सागर वो गलती से, हाँ क्या गलती, हटा क्या बोल, देखिए मेरे विकास की क्या हालत कर दी है इस जानवर ने। क्या हम अपने बच्चों को कॉलेज इसीलिए भेजते हैं ताकि वो यहां पर आए और इन गुंडों के हाथों पिटे, और उस पर एक गुंडे धौंस जमाए कि ये पुलिस वाले के बेटे हैं? प्रिंसिपल सर, मैंने अपने पापा का नाम का कभी इस्तेमाल नहीं करा, इन्हें कहिए उन्हें बीच में ना घसीटें। देखिए स्कैरोगेंस, घमंड कूट कूट कर भरा है इसमें। सागर सॉरी बोलो विकास सर। प्लीज, मैं यहां पर सॉरी सुनने के लिए नहीं आया हूं। आप या तो इसे इन्वेस्टिगेट करेंगे और या फिर मैं यहां से डायरेक्ट पुलिस स्टेशन जाऊंगा, FIR लॉन्च करवाऊंगा इसके खिलाफ, जानलेवा हमले की। अपने बेटे का मेडिकल करवा चुका हूं मैं, अब इसके बाद इसका पुलिस वाला बाप अपना इन्फ्लुएंस लगाना चाहता है तो लगा सकता है। मिस्टर गौर, आप फिर से मेरे पापा को बीच में लेकर आ रहे हैं, मत कीजिए ऐसा। सागर ये कॉलेज है, गुंडों का अड्डा नहीं है, जहां पे तुम जिसे चाहो पीटो गुंडों की तरह। आप खुद एक्नॉलेज कर रहे हैं कि ये गुंडा है, गुंडागर्दी करता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अभी तक आपने इसे इन्वेस्टिगेट क्यों नहीं किया? आपने यहां पे आके कंप्लेन की, मुझे बताया, सही किया। नाउ लेट मी हैंडल इट प्लीज। जी नहीं, आपको जो बात करनी है आप मेरे सामने कीजिए, मैं यही बैठा हूं। मिस्टर गौर प्लीज लेट मी हैंडल इट प्लीज। सर मैं जानबूझकर किसी पे चाय क्यों फेंकूंगा? मैं कैंटीन में चाय लेकर टेबल की तरफ जा रहा था, किसी ने मुझे आवाज दी, मैं देखने के लिए मुड़ा तो विकास किसी से टकराकर ट्रिप हो गया। सागर वो गलती से हुआ यार, मैंने जानबूझकर नहीं किया। तू समझ रहा है ना? गलती से नहीं हुआ था सर। गलती से हुआ था या जानबूझकर, लेकिन ये पहली बार नहीं है सागर, ये पहली बार नहीं है कि तुमने किसी स्टूडेंट को मारा। सर आप पूरे कॉलेज में किसी से भी पूछ लीजिए, मैं कभी शुरुआत नहीं करता। सर हाथ पहले इसने उठाया था, मुझे कोई शौक नहीं था इसके साथ लड़ने का। सर आप मेरे 4 साल का ट्रैक रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं। क्यों विकास, संत बन रहे हो क्या सर के सामने? तूने पूरा प्लान किया था मेरे ऊपर चाय फेंकने का, समझा तू? मुझे और कोई काम नहीं है क्या? तेरी तरह दिमाग खराब नहीं है मेरा, समझा तू? तू मेरी बात मान, जाके अपना मेंटल चेकअप करवा ले। तू करा ले अपना मेंटल चेकअप, समझ रहा है? स्टॉप इट आई से। सागर विकास को सॉरी बोलो। सागर आई सेड से सॉरी टू विकास, बोलो सागर, वरना मैं अभी कभी तुम्हारे फादर को यहां बुलाऊंगा और रेस्टिगेशन लेटर उनके हाथ में दूंगा। सॉरी। ऐसे नहीं, आंख मिला सॉरी, दिल से या आंखें मुझे मत दिखाओ सागर, रत्ती भर भी डरने लगता मुझे तुम जैसे। जेन्यूनली अपनी गलती के लिए सॉरी बोलूंगी सर। फील इट एंड टेल हिम सॉरी। सॉरी विकास। उस एक टाइम मैंने सागर को माफ कर दिया था, उसका फाइनल ईयर है, लेकिन सच कहूं तो उसके बाद में एक भी बार सागर के खिलाफ कोई हाथापाई की कंप्लेंट नहीं आई। प्रिंसिपल साहब इस बार बात हाथापाई से काफी आगे बढ़ चुकी है, चाकू चला, कत्ल हुआ। जरा ऑब्जेक्टिवली सोचिए, आपको नहीं लगता कि आपको विकास गौर के इंसिडेंट को और सीरियस और सख्ती से लेना चाहिए था? सर सागर राय को बिठाया और उसके कॉल रिकॉर्ड भी मंगवाए, इससे पता चले कि सागर और राकेश के बीच ऐसा क्या हुआ था जिसके चलते राकेश का मर्डर हुआ। गुस्सा काबू में नहीं रहता है सागर राय का, लंबी हिस्ट्री है मारपीट के,
तुम्हारे दादाजी भी पुलिस वाले थे ना? जी सर। इसलिए तुम्हें लगता है कि तुम्हें 3 गुना ज्यादा हक मिल गया लोगों के साथ मारपीट करने का? सर, बिना किसी कारण ना मैं किसी पर हाथ नहीं उठाता। कोई भी कारण तुम्हें यह हक नहीं देता कि तुम किसी के साथ मारपीट करो या किसी का कत्ल करो? सर, राकेश मेरा दोस्त था, मेरा रूममेट था। मैं खुद सुनकर हैरान हूं सर कि किसी ने उसका कत्ल कर दिया। किसी ने नहीं, तुम्हारे भेजे हुए 4 लोगों ने उसका कत्ल किया। कौन थे वो लोग? पहली बात तो राकेश मेरा दोस्त था, तो मैं उसे क्यों मरवाऊंगा? दूसरी बात, मेरी कोई भी लड़ाई में मेरे दोस्त इन्वॉल्व नहीं होते। आप पूरे कॉलेज में, पूरे मोहल्ले में, पूरे शहर में पूछ सकते हैं। मैंने जब भी पंगा लिया है ना, अकेले लिया है, सोलो। तुम्हारे जितने भी दोस्त हैं ना, सबको नंगा करके उल्टा लटकाऊंगा। सबसे पता करूंगा कि वो 4 लोग कौन थे जिन्हें तुमने 6 जुलाई को राकेश शर्मा को मारने के लिए भेजा था। मैंने किसी को नहीं भेजा था सर। राकेश मेरा 1 साल से रूममेट था, मेरा उसके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं था। पिछले 8 महीने से दिनेश हमारे साथ रह रहा था। आप किसी से भी पूछ लीजिए, मेरा उसके साथ कोई झगड़ा नहीं हुआ। पिछले हफ्ते मेरी दादी माँ सीरियस थी, तो उन्होंने देखने गया था 5 जुलाई को, और पीछे से ये हो गया सर। सर, आप जैसा सोच रहे हैं, मैं वैसा लड़का नहीं हूँ। हाँ, मेरे झगड़े हुए हैं, पर मैंने किसी को इतना नहीं मारा कि वो मर जाए। और विकास गौर, वो तो मरते मरते बचा था ना? सर, विकास के केस में मुझसे गलती हुई थी, मैंने उससे माफ़ी भी मांगी थी। तुमने माफ़ी मांगी नहीं थी, तुमसे माफ़ी मंगवाई गई थी। प्रिंसिपल के कहने पर तुमने सॉरी बोला। सागर, राकेश शर्मा ने ऐसा क्या किया था कि तुम्हें इतना गुस्सा आया कि तुमने उसके मर्डर का प्लान बनाया? सर, पिछले 1 साल में उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया था जिसे मुझे उसके ऊपर गुस्सा आया। 5 जुलाई को कुछ हुआ था तुम्हारे निकलने के पहले, और तुम्हें इतना गुस्सा आया कि तुमने उसे मरवा दिया? नहीं सर, कुछ नहीं हुआ। मैंने उसे नहीं मरवाया, मैं तो उस वक्त यहाँ था भी नहीं। मैम, समझ ही नहीं आ रहा है कि ऐसी क्या दुश्मनी हो सकती है सागर की राकेश से। हाँ मैम, लेकिन एक बात है, सागर कॉलेज में बहुत झगड़ा किया करता था, तो सोचिए घर पे नहीं करेगा। मंजीत, तुम सागर के क्लासमेट हो। यस मैम। और अजय, राहुल, गौरी, तुम राकेश के क्लासमेट हो। क्या उन दोनों के बीच की झगड़े की जड़ निशा हो सकती है? मैम, ये तो नहीं बोल सकते, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूँ, आप किसी से भी पूछ लीजिए, सागर का फ्यूज शॉर्ट था, मतलब अचानक से गुस्सा और फिर अटैक बिना सोचे समझे। और मैम, आपने विकास गौर के बारे में तो सुना ही होगा। मैम अगर वो उस दिन वहां से नहीं भागता ना, तो उसके साथ कुछ भी हो सकता था। मोहनलाल, तुम्हारा बेटा अलग ही मिट्टी का बना। जितनी हिस्ट्री निकाली उसकी, मोहल्ले से, कॉलेज से, एक ही तरफ इशारा करती है। वो बात बात पर मारपीट करता है। सर, मैं मेरे बेटे के बारे में ये सब पहली बार सुन रहा हूँ। और सागर का तीसरा रूममेट दिनेश, उसे सागर ने इतनी दहशत में रखा हुआ है कि वो ये सोचकर ही थर थर कांप रहा है कि कहीं सागर को ये पता ना चल जाए कि वो सागर के बेड पर सोया था। बाकी तुम अंदाजा लगा सकते हो। लेकिन इससे वो हत्यारा कैसे हो गया सर? तुम बाप की वर्दी में नहीं, पुलिस वाले की वर्दी में सोचो। तुरंत यहाँ आ जाओ और यहाँ आकर हमारे मेन सस्पेक्ट सागर राय से बात करो, अपने लाडले बेटे से नहीं। इससे मेरे बेटे की जान ली है। झूठा इल्जाम लगा रहे हैं आप, झूठे हैं सब कुछ। अरे इतना जिन्होंने काम किया होता तो पुलिस का छोड़ते क्या हमें? मेरा दिल जानता है भास्कर कि मेरे बेटे को तू नहीं मारा है। ये मत भूल कि तेरे भी दो दो बेटे हैं भास्कर। सागर राय के कॉल रिकॉर्ड में कोई भी किराए का हत्यारा या एसटी शीटर फीचर नहीं हुए। सारे कॉलेज के फ्रेंड्स थे, लगभग हर फ्रेंड से पूछताछ की। 5 जुलाई की सबकी तगड़ी अलेवाई है। सर, राकेश और सागर के कॉल रिकॉर्ड्स में कोई कॉमन नंबर्स? नहीं, पिछले 3 महीने के कॉल रिकॉर्ड्स में तो बिल्कुल नहीं, सिवाय दिनेश के। सर, ये तीनों 8 महीने से एक साथ रह रहे थे, हमारे पास पिछले 3 महीने के फोन रिकॉर्ड्स हैं, कहीं उसके पहले का मामला तो नहीं है? हो सकता है। एक काम करते हैं, 8 महीने के सारे कॉल रिकॉर्ड्स मंगवाते हैं और कॉल बाय कॉल स्कैन करते हैं। दर्शक जी, हम लगे हुए हैं। वो तो मैं देख ही रहा हूँ सर, कि आप किस चीज में लगे हुए हैं। मेरे बेटे का कातिल भास्कर शर्मा आराम से घूम रहा है बाहर। दमोह पुलिस ने हमें कंप्लेंट की कॉपी फैक्स की है, जो आपके छोटे भाई भास्कर शर्मा ने आपके खिलाफ फाइल की। आपने मारा उसे। दशरथ जी, ऐसा मत करिए। आप लोग अंधे हैं क्या?
सालों से भास्कर और उसकी पत्नी ने हमें एक ही बात कही है कि आपका तो एक ही बेटा है, आपका तो एक ही बेटा है, राकेश इतने पैसों का करेगा क्या? सर मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि भास्कर ने मेरे बेटे को मरवा डाला ताकि मैं जिंदगी पर तड़पूं। देखिए अभी भी हमने भास्कर शर्मा को सस्पेक्ट लिस्ट से बाहर नहीं निकाला। बात यह है कि जितने भी सस्पेक्ट हैं वो शक करने लायक तो हैं पर इनमें से किसी का भी मकसद सामने नहीं आ रहा। पर हम सच्चाई का पता लगा कर रहेंगे, तब तक आप प्लीज मन ही मन में शोक में कोई ऐसा फैसला ना लें। आप बेटा खो चुके, अब खुद को ना खोए। सागर तुम जानते हो ना मैंने कितने सारे क्रिमिनल से सच उगलवाया है। मैं क्रिमिनल नहीं हूं पापा। देखो सागर मुझे सख्ती से पेश आने पर मजबूर मत करो, तुम सच क्या है बोल दो। जब आप भरोसा नहीं करते तो मैं आपको क्या बोल दूं? आप में और इंस्पेक्टर में क्या फर्क है? चालू कीजिए अपना टॉर्चर, चालू कीजिए। सवाल भरोसे का नहीं है सागर, सवाल सच का है। राकेश के साथ तुम्हारी ऐसी क्या लड़ाई हो गई कि तुमने इतना बड़ा कदम उठाया? मैं इतना ही कहूंगा पापा, अगर उस रात में रूम पर होता ना तो राकेश का बाल भी बाका होने नहीं देता मैं। चार पांच जितने होते ना सबको फोड़ डालता मैं वहीं पे। तुम बात को घुमाने की कोशिश मत करो। तुम्हारे पास परफेक्ट बहाना था। तुम दादी माँ को देखने घर आ गए और तुम्हारे पीछे तुम्हारे चार दोस्तों ने यह कांड कर दिया। क्यों किया ऐसा उन्होंने और कौन है वो? अगर तुम सच बोलोगे तो मैं टूटूंगा जरूर, पर अगर तुम इसी तरह झूठ बोलते रहोगे तो मैं और ज्यादा टूटूंगा। आप मुझे बचपन से जानते हो, मैं जानता हूं मैं गुस्सैलू, झगड़ालू, मैं मारपीट करता हूं, पर क्या कभी झूठ बोला है आपसे या किसी और से? आप समझ नहीं रहे हो, एक साजिश है। राकेश शर्मा मेरा रूममेट था, उसे बलि का बकरा बनाकर मुझे फंसाने की। ठीक है, और तुम्हारा वो तीसरा रूममेट दिनेश? उसकी तो बात ही मत करो आप, वो एक नंबर का नौटंकी है साला। पुलिस वालों को बोलता हुआ फिर रहा है कि मुझे मत बताना कि वो मेरे बेड पर सोया था, जैसे मुझे नहीं पता कि जब भी मैं घर जाता हूं वो मेरी बेड पर सोता है। पुलिस वालों के सामने मेरी इमेज खराब करने की कोशिश कर रहा हूं पापा। मैं सॉरी सब इंस्पेक्टर मोहनलाल राय जी, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं कि मैंने राकेश शर्मा का मर्डर नहीं करा है। मेरे पापा को मुझसे उम्मीद है, 4 साल का कोर्स पूरा करके मैं नौकरी करना चाहता हूं, उनके सपने पूरे करना चाहता हूं। किसी का मर्डर कर दूं इतना बड़ा बेवकूफ नहीं हूं मैं। सर मैंने अपनी जिंदगी का सारा तजुर्बा अपनाया, मुझे नहीं लगता सागर झूठ बोल रहा। कैसा हो सकता है कि दिनेश उन लोगों से मिला हुआ था? तुम्हारे घर जाने के बाद उसे मौका मिल गया, उसने उन लोगों को इतला किया, वो लोग आए और ये कांड कर गए। सर दिनेश थोड़ा अजीब है, पर वो ऐसा क्यों करेगा मेरी समझ के बाहर है सर। उतना ही अजीब उसका दवाई पीकर सो जाना, पर सर दिनेश ऐसे ही वो अजीब हरकतें करता है। तो तुम्हें लगता है दिनेश इस सब में शामिल नहीं था? सर बिना कुछ देखे या महसूस करे मैं कुछ नहीं कह सकता सर। तो फिर कौन, इस साजिश के पीछे कौन हो सकता है? विकास गौर? सर विकास को मैंने बहुत मारा, लेकिन मैंने उससे माफी मांगी थी, ना केवल प्रिंसिपल ऑफिस में बल्कि बाहर भी। विकास भाई सुन, ऐसा है मैं ना प्रिंसिपल ऑफिस में ठीक से नहीं बोल पाया था, पर मैं वाकई में बहुत शर्मिंदा हूँ। चल ठीक है, अभी कितनी बार सॉरी बोलेगा यार, लेकिन तू मेरी एक बात मान, मैंने वो चाय जानबूझ कर नहीं गिराई, और तेरी मेरी कोई दुश्मनी तो है नहीं, तो मैं क्यों गिरा था? भाई जो हुआ उसे भूल जा, आराम से भाई बंदगी में रहेंगे। तू मेरी एक बात मान, जब तुझे गुस्सा आता है तो तू 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 नहीं रहता है, तेरी आंखों में कोई कोई और ही बस जाता है। तू मेरी बात मान, तू किसी साइकियाट्रिस्ट को दिखा दे। बुरा मत मान, मैं तेरे भले के लिए कह रहा हूँ। जब तू मार रहा था मुझे तो मैंने देखा तेरी आंखों में। मिलता हूँ मैं। सर विकास की बात सुनकर मैं सच में सोचने लगा, और मैंने ठान ली कि मैं अपने गुस्से पर कंट्रोल करूंगा, किसी के ऊपर यूं ही नहीं टूट पड़ूंगा। और सर उस दिन का दिन है और आज का दिन है, मैंने किसी के ऊपर उंगली भी नहीं उठाई सर। सर अगर इसके आगे भी आपको लगता है कि सागर दोषी है तो आप बेशक टेक ओवर कीजिए, जो आपको सही लगता है वो कीजिए, पर मैं यहां रुककर ये सब देख नहीं पाऊंगा। पुलिस वाले पर बाप हावी हो जाएगा सर। ये सागर रहा तो कुछ बोल ही नहीं रहा, अब या तो ये बंदा तगड़ी प्लानिंग करके बैठा है या फिर वाकई में ये कुछ नहीं जानता। सर कहीं ऐसा तो नहीं ये दिनेश मंडल की सर्दी की दवाई वाली कहानी पूरी तरह बकवास है? पर दिनेश की फोन रिकॉर्ड्स वो तो क्लीन है राइट? कॉल रिकॉर्ड्स में तो कुछ भी शो अप नहीं हुआ, पर मामला कॉलेज का है, हो सकता है बिना फोन के कैंपस में ही कोई साजिश रची गई हो। इस सागर राय की कई लोगों के साथ दुश्मनियां थी,
कोई झगड़े हुए इसके, तो हो सकता है किसी ने सोचा हो कुछ कर देते हैं और फंसा देते हैं सागर राय को। सर इस विकास गौर से पूछताछ करें। बिल्कुल, डिटेल पूछताछ करो और फोन रिकॉर्ड्स भी निकलो। सर लगता है सागर राय हमें गुमराह कर रहा है। कुछ मिला है सागर राय के फोन रिकॉर्ड्स? पिछले 3 महीने के कॉल रिकॉर्ड्स में तो कुछ भी नहीं मिला, लेकिन उसके पहले के कॉल रिकॉर्ड्स खंगाले तो सागर राय और राकेश शर्मा, इन दोनों के कॉल रिकॉर्ड्स में एक नंबर कॉमन है और ये नंबर कई सवाल खड़े करता है। क्या सागर ने खुद कहा है कि मैंने राकेश को मरवाकर उसे फंसाने का प्लान किया है? मैं तुमसे पूछ रही हूँ विकास, क्या तुमने राकेश को मरवाकर सागर को फंसाने का प्लान किया था? सच बोलना, सबूत इकट्ठे हो रहे हैं, बहुत बुरे फंसोगे। तो प्लीज पहले सबूत लेकर आइए मेरे पास। और ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है? एक पुरानी लड़ाई जिस पर मिट्टी डाल दी गई, दिल से सॉरी वॉरी हो गया, सब कुछ भुला दिया गया। मैं उसी लड़ाई का बदला लेने के लिए एक इनोसेंट स्टूडेंट राकेश को मरवाऊंगा सागर को फंसाने के लिए? मैंने तुमसे सवाल पूछा, तुमने जवाब दिया, उम्मीद करती हूँ सच कहा होगा। क्या हुआ विकास? अरे राहुल, ये पुलिस वाले पागल हो गए, सोच रहे हैं कि मैंने राकेश का खून किया है ताकि वो सागर फंस जाए और मैं उस पुरानी फाइट का बदला ले सकूं उससे। सागर ने ऐसा कहा पुलिस से? आई कांट बिलीव इट कि सागर ऐसा कह सकता है मेरे बारे में। मैं सागर पे बिल्कुल ट्रस्ट नहीं कर सकता। फुल पॉसिबिलिटी है कि उसने ही राकेश का खून करवाया तुझे फंसाने के लिए। मुझे तो ये उल्टे दिमाग का नहीं बल्कि बिल्कुल पागल दिमाग का लगता है। पर राकेश तो उसका दोस्त था, वो राकेश को क्यों मरवाएगा? होगा उसके और राकेश के बीच कुछ जो शायद किसी को ना बताऊं। हेलो दीपिका साहू। हाँ जी, मैं दीपिका साहू बोल रही हूँ। बारौली नगर पुलिस स्टेशन से PSI अविनाश चौहान बोल रहा हूँ, तुमसे कुछ बात करनी थी। किस बारे में? राकेश शर्मा और सागर राय के बारे में। तुम्हें भी थाने आना हो। मोहनलाल, हमें सागर यहाँ चाहिए, जबलपुर में फौरन। क्यों सर, अब क्या हुआ है? एक एंगल निकला। ऐसा क्या एंगल सामने आया है? दीपिका साहू, 8 महीने के कॉल रिकॉर्ड्स में पिछले 3 महीने को छोड़कर दीपिका और राकेश की डेली बात होती थी और पिछले 3 महीने से दीपिका और राकेश के बीच एक बार भी बात नहीं हुई। और इन पिछले 3 महीनों से सिर्फ सागर के कॉल रिकॉर्ड्स में दिखती है दीपिका साहू। राइट सर, कॉमन कनेक्शन। ये दीपिका साहू कौन है सागर, और उसको लेकर तुम्हारे और राकेश के बीच में क्या हुआ था? नंबर है 444-569-876। नाम है विकास गौर। पिछले 3 महीने के इसके सारे कॉल रिकॉर्ड्स और उसकी फोन की लोकेशन की डिटेल्स चाहिए मुझे, टॉप प्रायोरिटी पर। गेम ओवर सागर, अब मना करने की सोचना भी मत। हमें पता चल गया है कि दीपिका और राकेश का अफेयर था, और फिर बीच में आए तुम, और फिर तुम्हारा और दीपिका का अफेयर शुरू हुआ, वो भी राकेश की पीठ के पीछे। नो सर, ऐसा नहीं था। दीपिका बाहर बैठी, वो सब सच कबूल कर चुकी, अब तुम्हारी बारी। मेरा और राकेश का रिलेशनशिप था, लेकिन सर इससे पहले कि तुम सागर की लहरों में खो गए, राइट? और सागर की लहरों ने तुम्हें राकेश से छीन लिया और राकेश को इस दुनिया से। नो सर, ऐसा नहीं है कि सागर मेरे और राकेश के बीच में आ गया। दिनेश को तो जानती होंगी तुम। जी सर। उसी ने हमें एक पॉइंट तक इस लव ट्रायंगल की स्टोरी सुनाई। राकेश से मिलने इन तीनों के शेयर रूम पे जाया करती थी तुम। जी। और उसके बाद तब भी जाती थी जब ये राकेश अपनी क्लासेस में होता था और सागर घर पर। ये सही नहीं है सर, दिनेश ने आपको जो भी बताया वो गलत है, झूठ है सारा सर। लोग झूठ बोल सकते हैं, कॉल रिकॉर्ड्स नहीं, तुम्हारे राकेश के और सागर के कॉल रिकॉर्ड्स अगर एक जगह पर रखे जाए ना तो कोई अंधा भी बता देगा कि माजरा क्या है। वैसे तुम कह रही थी कि सागर तुम्हारे और राकेश के बीच में नहीं आया, तो फिर ऐसा क्या हुआ कि राकेश की गर्लफ्रेंड से तुम सागर की गर्लफ्रेंड बन गई? सर आप लोग सठिया गए क्या? दीपिका को लेकर मैं राकेश का मर्डर करवाऊंगा उसे रास्ते से हटाने के लिए। कोई और कारण था? सर मेरा और दीपिका का जब अफेयर चालू हुआ तब उसका और राकेश का ब्रेकअप हो चुका था। और ये ब्रेकअप क्यों हुआ? सर ये तो वही जाने, पर हाँ मैं ये मानता हूँ कि मेरा और दीपिका का अफेयर इसलिए चालू हुआ क्योंकि वो हमारे रूम पर आती थी। उसका और राकेश का ब्रेकअप क्यों हुआ ये मुझे नहीं मालूम है।
मैम मैम क्यों घसीट रही आप मुझे इन सब में? आपको अंदाजा भी नहीं है इन सब से मुझे कितनी तकलीफ हो रही है। एक लड़के की बेवक्त और भयंकर मौत उससे ज्यादा तकलीफ दे है। और तुम्हें इतनी तकलीफ क्यों हो रही थी सच बताने में, जबकि तुम्हें शुरू से पता था राकेश और दीपिका के बारे में, तुमने हमें बताया क्यों नहीं? मैम किसी के एक्स रिलेशनशिप में कौन इतना इंटरफेयर करता है? उन दोनों में क्लीन ब्रेकअप हो चुका था। अभी तक हमें नहीं पता चला है कि मर्डर किसने कराया और क्यों कराया। शायद सागर ने दीपिका के लिए, क्योंकि राकेश ब्रेकअप के बाद भी दीपिका को भुला नहीं पाया था और दीपिका भी। चैप्टर पूरी तरह क्लोज नहीं हुआ था, एम आई राइट? मैम मुझे सागर और राकेश के इक्वेशन के बारे में कुछ नहीं पता। मुझे ये भी नहीं पता कि सागर और दीपिका के बीच में कुछ था। मैं बस इतना जानती हूँ राकेश का दीपिका के साथ ब्रेकअप हो चुका था और वो मेरे साथ था। लेकिन टू बी ऑनेस्ट मुझे कभी कभी ऐसा लगता था कि राकेश दीपिका को पूरी तरीके से भूल नहीं पाया था। मुझे ये दीपिका सागर राकेश के ट्रायंगल के बारे में कुछ नहीं पता, सच में प्लीज बिलीव मी मैम। सर मेरी राकेश से दीपिका को लेकर बिल्कुल क्लियर कट बात हुई थी, मैन टू मैन। हाँ उसे बुरा जरूर लगा था लेकिन मैं अपनी तरफ से साफ था, मैंने उसके साथ कुछ भी गलत नहीं करा है। मैं कोई दीपिका को उसे चुरा वुरा नहीं रहा था सर। मैं तुझसे स्ट्रेट पूछ रहा हूँ, तेरे और दीपिका के बीच कुछ चल रहा है? चल रहा था, सब स्मूथ चल रहा था, तो उसके लाइफ में तेरे आने के बाद से उसने मुझे डिच किया। मुझे विलन मत बना, अगर तुम्हारे बीच में कुछ है तो मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। नहीं यार, उसने मुझसे स्ट्रेट बात की है, मेरे साथ और कंटिन्यू नहीं करना चाहती। ऑफ कोर्स उसने ये नहीं बोला कि उसके पीछे कारण तू है। हाँ तो ऐसा बोल भी नहीं सकती क्योंकि रीजन मैं नहीं हूँ। अगर ऐसा कुछ होता तो मैं खुद सामने से आके तुझको बोलता यार। प्लीज ऐसा कर, और अगर कारण तू नहीं है तो कौन कारण है? इसी कमरे के बीच में शुरू हुआ था ना तुम्हारा सब, जब वो मुझसे मिलने आती थी। हाँ करेक्ट, पर हम सिर्फ मिलते थे, वो सिर्फ मेरी दोस्त थी। दोस्त तो हम भी थे यार सागर, हमारी दोस्ती भूल गया तू? देख इमोशनल बातें मत कर, हम मैन टू मैन बात कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, मैन टू मैन नहीं, एक्चुअली मैन टू बॉय। मैं बॉय लगता हूँ उसे, मेरी बातें चाइल्डिश लगती है उसे, कहते तुम मैन नहीं हो बॉय हो बॉय। जाहिर है तुझ में असली मर्द दिखता होगा उसे। क्यों सीरियस क्यों नहीं हो सकता मैं? हाँ सच्चा प्यार सीरियस बात नहीं है क्या? सच्चा प्यार? ओह माय गॉड राकेश, ऐसे वर्ड्स में ही प्रॉब्लम है मुझे। यू नो पिछली जनरेशन के लगते हैं और तुम्हारे मुंह से तो बहुत चाइल्डिश लगते हैं, सफोकेट करते हैं मुझे। और तुम कितना पोजेसिव हो जाते हो मुझे लेकर। तो क्या करूं, दूसरी लड़कियों के साथ फ्लर्ट करूं वो अच्छा लगेगा तुम्हें, या तुम्हें दूसरे लड़कों के साथ फ्लर्ट करना है, ओपन रिलेशनशिप और वो सब? जब तक था अच्छा था, अब मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ इस रिलेशनशिप में, इसलिए आउट हो रही हूँ। कितने आसानी से कह दिया ना, मैं ही पागल हूँ। मैं सोच रहा था तुम्हें ग्रेजुएशन के बाद शादी के लिए प्रपोज करूंगा। व्हाट? शादी? शादी नाम से ही रोंगटे खड़े होते हैं मेरे। देखो अगर मैं शादी करूंगी भी ना तो आफ्टर 30, वो भी किसी स्ट्रॉन्ग मैच्योर आदमी के साथ। मतलब मैं इमैच्योर हूँ, मर्द नहीं हूँ, ये कहना चाहती हो ना तुम? यार प्लीज अभी विक्टिम कार्ड खेलना बंद। नहीं नहीं यही बोलना है ना तुम्हें, यही कह रही थी ना तुम कि सच्चा प्यार चाइल्डिश लगता है मेरे मुंह से। मतलब मैं हूँ चाइल्डिश? यस तुम चाइल्डिश हो, और मुझे बेबी सिटिंग नहीं करनी। ठीक है यार रहने दे, बस मुझे और बात नहीं करनी है। नहीं यार ठीक नहीं है। देख जब तुम और दीपिका रिलेशनशिप में थे तब मैंने ना उसने तुम्हारा जिक्र तक नहीं करा, और रही हमारे रिलेशनशिप की बात तो वो तभी चालू हुआ है जब तुम्हारा ब्रेकअप हुआ है। और सुन अगर एक बार अगर तू बोल देना कि सागर तूने मुझे धोखा दिया है तो भगवान कसम दीपिका का चेहरा भी नहीं देखूंगा। नहीं यार अभी ऐसा थोड़ी है कि वो मेरी नहीं तो किसी और की नहीं हो सकती। सर मेरी रिलेशनशिप थी राकेश के साथ, फिर हमारा ब्रेकअप हो गया और अब मेरा रिलेशन सागर के साथ है। लेकिन सर सागर मेरी वजह से राकेश का मर्डर कर देगा ये बिल्कुल पॉइंटलेस है मेरे लिए। ये जो तुम लवरमैन की इमेज प्रोजेक्ट कर रहे हो ना, ये तुम्हारे सर पर गलत साइज की टोपी है दोस्त। सर ऐसा है, आपने ना पहले से मेरे सर का साइज लेकर उस पर मुजरिम की टोपी बनाने की ठान ली, इसीलिए आप हर टोपी को काट कर जोड़ कर टोपी मेरे सर को पहनाने की कोशिश कर रहे हैं,
चाहे मेरा दीपिका के साथ अफेयर हो, चाहे विकास गौर के साथ झगड़ा हो, चाहे दिनेश का मुझसे डरना। सर आप लोगों ने तो ये एंगल भी ट्राई किया होगा कि पुलिस वाले का लड़का है तो गुंडागर्दी पर उतर आया। पर कुछ चीजें सीखी है मैंने पापा से। आप लोग जाइए, मेरे खिलाफ सबूत इकट्ठा कीजिए और एक मजबूत चार्जशीट फाइल कीजिए। पर ये उम्मीद मत कीजिएगा कि ये मैं कबूल कर लूंगा कि मैंने राकेश का मर्डर किया है, क्योंकि ये सही नहीं है। सर दीपिका से पूछताछ की, इस एंगल से भी राकेश के मर्डर की तरफ कोई भी इशारा हाथ नहीं लगा। इतने एंगल्स टटोलने के बाद भी एक भी कंक्रीट लीड नहीं मिला, ऐसा कैसे हो सकता है? 6 जुलाई के बरोलिया नगर के डंप डाटा में कुछ नहीं मिला। क्राइम सीन की रेंज से हमारे किसी भी सस्पेक्ट ने किसी भी अनजान नंबर से कोई भी बात नहीं की। उस न्यूज रिपोर्टर के हिसाब से हमले में 4 लोग शामिल थे, उनमें से किसी एक ने चाकू चलाया होगा। ये किसी फर्स्ट टाइम स्टूडेंट का काम नहीं लगता। शायद इस हमले में कोई हिस्ट्री शीटर भी शामिल होगा। सर डिस्ट्रिक्ट के सारे हिस्ट्री शीटर्स को टैप किया, सबके पास सबूत है कि 6 जुलाई की रात को उनमें से कोई भी बारोलिया नगर में मौजूद नहीं था और खबरी नेटवर्क भी साइलेंट है। सर तो फिर ये अटैक क्या था, क्यों हुआ, राकेश क्यों मारा गया? जर का एंगल नहीं, जमीन का एंगल नहीं, जोरू का एंगल नहीं, तो फिर एंगल है क्या? कहीं कोई ऐसा एंगल तो नहीं जो हम मिस कर रहे हैं? शायद कोई दुश्मनी, कोई ऐसी दुश्मनी जिसके बारे में हमें अभी कुछ भी नहीं पता। अब तक उभरे हुए सभी एंगल्स पर हम लगातार वॉच रखे हुए थे। सागर हमारा मेन सस्पेक्ट था और हमने उसकी सारी मूवमेंट्स ट्रैक की, इंतजार करते रहे कि कभी तो उसका मखौटा फिसलेगा। हमने कैंपस पर कई स्टूडेंट्स पर स्पॉटलाइट डाला, राकेश से जुड़े छोटे से छोटे झगड़े, आर्गुमेंट की बाल की खाल की। आप ही की तरह मैं भी बौखलाया हूं इंस्पेक्टर, राकेश मेरा स्टूडेंट था और मुझे भी समझ नहीं आ रहा है कि आखिर राकेश को मारा किसने और क्यों। ये पुलिस क्या बोल रही है जी, क्या भास्कर के खिलाफ उनके हाथ कुछ भी नहीं लगा? पुलिस तो बस राकेश के कॉलेज में ढूंढ रही है। अब कॉलेज में ऐसा क्या हो सकता है जिसकी वजह से कोई हमारे बच्चे को इतनी बेरहमी से मारते? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है संगीता, ये पुलिस आखिर कर क्या रही है? कहीं ऐसा तो नहीं सारे कांड का राकेश से कोई कनेक्शन ना हो और इसलिए हम ये केस क्रैक नहीं कर पा रहे? लेकिन सर राकेश का मर्डर तो हुआ है। हाँ हुआ है, लेकिन याद करो सागर ने क्या कहा था, कि शायद कोई साजिश रची गई है। साजिश है? राकेश शर्मा मेरा रूममेट था, उसे बलि का बकरा बनाकर मुझे फंसाने की। मुझे सीरियसली लगता है कि शायद अब हमें इस साजिश वाले एंगल को टटोलना चाहिए। सर लेकिन साजिश वाले एंगल में तो विकास गौर का एंगल सामने आता है, विकास और सागर की लड़ाई जो हुई थी। सागर को लगता था कि झगड़ा खत्म हो गया, विकास गौर को भी लगता था कि झगड़ा खत्म हो गया, पर शायद झगड़ा खत्म नहीं हुआ था। सर विकास के कॉलेज का मैंने हर नंबर डबल चेक किया, कोई भी नंबर पेशेवर क्रिमिनल या एंटी सोशल एलिमेंट का नहीं निकला। तो उसके फोन लोकेशन रिपोर्ट के हिसाब से वो 6 जुलाई की रात को बारोलिया नगर राकेश के घर से मीरो दूर था। हमले में 4 लोग शामिल थे, उनमें से एक ने चाकू यूज किया। अब देखने में प्रोफेशनल काम लगता है, पर हो सकता है किसी फर्स्ट टाइम स्टूडेंट का, ये भी हो सकता है कि चारों हमलावर स्टूडेंट रहे। एक काम करो, विकास गौर की कॉल लिस्ट में जितने फ्रेंड फीचर होते हैं सबकी डिटेल निकालो। हम अंधेरे में तीर चला रहे हैं लेकिन गली अंधेरी नहीं है। ये देखिए, ये नंबर रेगुलरली फीचर हुआ है। 6 जुलाई के 2 हफ्ते पहले तक रोज, दिन में कई बार निकलवा उसके रिकॉर्ड्स। लगता है फाइनली हमारे हाथ कुछ लगा है। ये फैजल है साहब, छपरी उल्टी लाइन का, इसको मैंने टटोला था। ये बोला इसका कोई कनेक्शन नहीं है इस कांड से। तेरे छपरी ने तो उसे झूठ बोला अशफाक, इसका कनेक्शन रहा है जो अब जाके पकड़ में आया। मुझे फैजल चाहिए। फैजल का फोन बंद आ रहा है लेकिन यही नंबर मर्डर के 2 हफ्ते पहले तक बज रहा था।
क्या हुआ साहब? अरे सास, क्या मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। हम भी पूरी तरह श्योर नहीं है। एक कनेक्शन मिला है, अभी कई कड़ियां जोड़नी बाकी हैं। मैं कम इन सर। सर आपने बुलाया? राहुल, ये ऑफिसर तुमसे बात करना चाहती है। अब क्या पूछना चाहती है आप मैडम? किसके बारे में? फैजल के बारे में। तुम पूछोगे फैजल कौन? मैं कहूंगी हिस्ट्री शीटर फैजल। तुम कहोगे मैं इसे नहीं जानता, तो मैं तुम्हें तुम्हारे फोन रिकॉर्ड दिखाऊंगी। राहुल, इसमें विकास इन्वॉल्व था? बोलो, तुम्हें कुछ नहीं मालूम? फैजल को मालूम, फैजल लॉकअप में। अब डिसाइड करो तुम सच बोलोगे या झूठ। सर 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 मैं हाथ हाथ खड़े कर रहा हूँ सर, मैं सर सरेंडर कर रहा हूँ सर। सर हम लोग का फुल मर्डर का कोई प्लान नहीं था। वो मेरा पार्टनर है ना, वो सर तेज तेज चाकू के घाव मार दिया बस। कौन है तेरा वो उत्सुक पार्टनर? सर नीरज नाम है उसका, और मैंने उसको सतना में छुपा के रखा है। चल कर फोन कर उसे और बोल सब क्लियर है, आ जा जबलपुर। तीसरा राहुल था, चौथा कौन था? जी वो चौथा राहुल का दोस्त है ना, अजय। यस सर। ओके सर। राजेश यू टर्न करो, कॉलेज जाएंगे वापस। फैजल, नीरज, तू और तेरा क्लासमेट अजय, यही टीम थी ना? क्या हुआ? मुझे कुछ नहीं मालूम। सब कह रहे थे कि प्रिंसिपल सर भी थे वहाँ, और कह रहे थे कि राहुल इन सब में इन्वॉल्व्ड है। कुछ समझ में नहीं आ रहा। पापा मैं पुलिस स्टेशन पहुंचा, आप जल्दी आ जाइए। सागर, वो विकास के भाई राहुल को पुलिस उठा के ले गई है। व्हाट? राकेश के मर्डर के लिए? हमारी टीम का चौथा मेंबर मिस्टर उत्सुक नीरज बहुत जल्दी तुम लोगों को ज्वाइन करेगा। तब तक जरा रीकैप हो जाए। हम भी बड़े उत्सुक हैं जानने के लिए कि तुम लोगों ने आखिर राकेश को क्यों मारा। हम कब से माथा पीट रहे थे इस मर्डर का मोटिव ढूंढने के लिए, एक छोटे से छोटा कनेक्शन निकालने के लिए। और वो कनेक्शन हमें कहां से मिला? राहुल के फोन रिकॉर्ड्स में से। पर मैडम जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, राहुल का राकेश के साथ कभी कोई प्रॉब्लम ही नहीं था। मैम कम से कम आप हमें ये तो बताइए कि आपने किन बेसिस पर राहुल को गिरफ्तार किया है? हार्ड प्रूफ के बेसिस पे सर। राहुल के फोन रिकॉर्ड्स में हिस्ट्री शीट ऑफ फैजल का नंबर रेगुलरली फीचर हुआ है। फैजल ने खुद कबूल किया है कि उसने ये मर्डर राहुल के कहने पर किया है। और क्या प्रूफ चाहिए आपको सर? आओ मिस्टर उत्सुक, हम भी बड़े उत्सुक हैं तुम्हारी धुलाई करने के लिए, अभी करेंगे। तुम बताओ राकेश को क्यों मारा? जिस तरह से सागर ने मेरे भैया की पिटाई की, मुझसे देखा नहीं गया सर। मैंने देखा था किस तरह मेरे भैया को यहाँ से वहां भागना पड़ा उस बचने के लिए। राहुल, ये तेरे विकास भैया है ना? सर ये इतना बड़ा इंसल्ट था, इस तरह मेरे भाई को पूरे कॉलेज में भगाना पीटना। सर पूरे कॉलेज में यही बात चल रही थी कि क्या तो मारा क्या तो पीटा विकास को। सर ये सागर पूरे कैंपस में अपनी धौंस जमाता था सर, हर स्टूडेंट पर सर, थोड़ा सा भी ऊपर नीचे होता था वो सीधे हाथ उठाता था सर। वो हाथ उठाता था और तुम लोगों ने ये कदम उठाया, एक बेकसूर फेलो स्टूडेंट राकेश को मार डाला। सागर को फंसाने के लिए ये बेहुदा प्लान बनाया तुम लोगों ने। सीधा प्लान है, घंटी बजाई, बंदे ने दरवाज़ा खोला, और जैसे ही दरवाज़ा खोला कपड़े में लपेट लेंगे साले को और फिर बरस पड़ेंगे। वो बाहर ही है, ये करेक्ट टाइम है, कम ऑन सही मौका। सागर को फंसाने के लिए तुम लोगों ने एक निर्दोष लड़के को मार डाला, तुम्हारा भाई भी इसमें शामिल था विकास कौर? नहीं सर नहीं, मेरे भैया को तो इसके बारे में कुछ पता ही नहीं था। और सर सर हमारा इरादा उसका मर्डर का नहीं था सर,
हम तो सर बस जिस तरह उसने राहुल के भाई विकास को मारा था, हम सागर को बस उतना ही मारना चाहते थे सर। लेकिन सर ये नीरज पागल है सर, ये चाकू ले आया था। हमारा इरादा सिर्फ उसके हाथ पैर तोड़ने का था ताकि उसको सबक मिले सर, बाकी सब मिस्टेक से हुआ है सर। वाह, बड़ा ही शांतिप्रिय और अहिंसावादी रास्ता अपनाया तुम लोगों ने। वैसे एक बात बताओ, ये राकेश के हाथ पैर तोड़कर तुम लोग सागर को सबक कैसे सिखाने वाले थे? राकेश को मारने का प्लान था ही नहीं, प्लान कुछ और था। सुना तूने? राहुल मेरी बात सुन यार, मामला बहुत सीरियस हो गया है। यार मैंने ठीक से देखा ही नहीं। तूने तो कहा कि वहां जाके मारो, तभी दम दे रहा उसके पीछे। हाँ लेकिन उसकी पीठ थी, मुझे लगा सागर है। ये तो टोटल फ्लॉप से हो गया यार। ऊपर से वो राकेश शर्मा, वो सागर का रूममेट जिसको हमने मारा ना, वो हॉस्पिटल में आईसीयू में है। हम लोग की कोई गलती नहीं है, हम लोग तो हाथ पैर तोड़ने गए थे ना भाई। स्टोरी खत्म है। चुप, पागल है क्या? हम लोग ने कुछ किया ही नहीं है, हम लोग किसी को कुछ बोलेंगे ही नहीं। सर प्लान ये था कि सागर अपना फेयरवेल अटेंड ना कर पाए, उसके बाद उसकी स्टडी लीव थी। हमने सोचा कि घर पे फ्रैक्चर लेके बैठेगा सर, इसलिए हमने 6 जुलाई की रात चुनी। लेकिन सर राकेश से हमारा कोई झगड़ा था ही नहीं। और सर हम लोगों को इसने जैसा बोला हम लोगों ने बस वही किया। इसने बोला कपड़ा डालो, हमने डाल दिया। इसने बोला पकड़ो मारो, हम बस वही करते रहे सर। और चाकू क्यों निकाला सर, मुझे खुद नहीं मालूम। बस एक बार निकाला तो जोश जोश में खच खच मारता गया। आखिरी बार पूछो, तुम्हारा भाई विकास कौर इसमें शामिल था किसी भी तरह से? और तुम अपने बड़े भाई की बेइज्जती का बदला लेने गए, उस बड़े भाई की बेइज्जती का जिसे इसकी भनक तक नहीं थी। दरअसल मैं अपना बदला लेना चाहता था सर। जिस तरह से सागर ने मेरे भैया को दौड़ाया पीटा सर, मानो ऐसा लग रहा था उसने मुझे दौड़ाया मुझे पीटा है। दरअसल उनके निशाने पर तुम थे सागर, तुम तगड़े हो इसलिए 4 लोग मिलकर तुम्हें पीटने आए थे। उन्होंने राकेश को तुम समझा और उस पर हमला कर दिया। सर मैंने दिनेश से कई बार पूछा सर, वो वाकई में उस रात दवाई लेकर सोया था। अगर दादी माँ का देहांत नहीं हुआ होता तो मैं होता रूम पर और राकेश को कुछ नहीं होता सर। ये क्या कर दिया तुम दोनों ने, एक बार भी अपने करियर के बारे में नहीं सोचा, एक बार अपने माँ बाप के बारे में तो सोच लिया होता। तुम्हें कैसे पीटा था सागर ने विकास भैया? मुझे पीटा था ना, मैंने हैंडल कर लिया था। पापा भी इन्वॉल्व हुए थे, सब कुछ सेटल हो गया था। उसने आके मुझसे सॉरी भी कहा था और तुम्हें ये बात मालूम थी राहुल। राकेश का तो दूर दूर तक इस सबसे कोई लेना देना ही नहीं था और तुमने उसके साथ ये क्या कर दिया यार। झगड़े होते हैं, मनमुटाव होते हैं, खटास रह जाती है मन, ये इंसानी फितरत है। पर द्वेष की भावना को बदले की भावना में बदलना, सामने वाले को सबक सिखाने का इरादा करना, इससे किसी को सुकून नहीं मिलता। कोई किसी को कोई सबक नहीं सिखा सकता, सिर्फ सीख सकते हैं। और अगर सीखना ही है तो हम सबको ये बात सीखनी चाहिए कि हर चोट भर सकती है। दर्द देकर दर्द कभी नहीं मिटता, दर्द सिर्फ बढ़ता है। और जो दर्द जुर्म का रूप इख्तियार कर लेता है वो दोनों तरफ एक ही अंजाम लेकर आता है, अब वो है बर्बादी। जय हिंद। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।